गंदे लोग भोग रहे हैं राजयोग, जहां हर फ्लैट एक मांग है, जहां हर फ्लैट एक मांग है, जहां तोंद फुलाए बैठे दधीची हैं और खैनी ठोकने वाले पहेलिए हैं, वहीं रह रह कर सवाल पूछता है कि जलाल भी अपने नगर में कहां रहता है, सचिवालय में जहां हमारे वे प्रतिभा पुत्र हैं जो मसूरी में ही रख आते गिरवी अपनी मेधा अपनी अंतरात्मा, सचिवालय में जहां हमारे वे प्रतिभा पुत्र हैं जो मसूरी में ही रख आते गिरवी अपनी मेधा अपनी अंतरात्मा और बन जाते सरकारी सर्कस के शेर, वहीं रह रहकर सवाल पूछता है जला आदमी अपने नगर में कहां रहता है भला आदमी, सरकारी विश्वकर्माओं के बीच, सरकारी विश्वकर्माओं के बीच जिनकी पाचन शक्ति इतनी कड़ी है कि लोहे की छड़ सीमेंट ईंट सब कुछ भस्म हो जाता है जिनकी अतड़ियों के अंदर, वहीं रह रहकर सवाल पूछता है जला आदमी अपने नगर में कहां रहता है भला आदमी, सरकारी अस्पतालों में जहां पेशेवर दयालु लोग पेशेवर दयालु लोग रोगियों की चीख पुकार से अप्रभावित रह जाते हैं और जिनकी उंगलियां रोगियों की नब्ज टटोलने के पहले उनकी जेब टटोलती है, जहां लोग भाग्य से जीते हैं भाग्य से मरते हैं, वही रह रहकर सवाल पूछता है जला आदमी अपने नगर में कहां रहता है भला आदमी, न्यायालय में जहां न्याय की देवी की आंख की पट्टी बराबर खुली रहती है, जिनके हाथ का तराजू का पलड़ा बराबर डोलते रहता है, जहां धनी अपराधी सीना तान कर सड़कों पर घूमते हैं और गरीब निर्दोष फांसी के तख्ते पर चढ़ते हैं या जेल की सीखचों के भीतर जाते हैं, वहीं रह रहकर सवाल पूछता है जला आदमी अपने नगर में कहां रहता है भला, विद्यामंडियों में जहां घुनी हुई डिगरियों के थोक विक्रेता पढ़ा रहे होते तोते, कभी कभी सोचता हूं कि अगर ये तोते सचमुच में पढ़ने वाले होते तो पता नहीं इनके क्या होते, कल तक जो थे आग का पलीता यूनियन लीडर्स, कल तक जो थे आग का पलीता उन्हें मिल जाता है थोड़ा सा सुविधा, कल तक जो थे आग का पलीता उन्हें मिल गया थोड़ा सा सुखीता है, फेंक आए रामायण फेंक आए गीता और बांधने लगे बॉस के जूते का फीता, फेंक आए रामायण फेंक आए गीता बांधने लगे अपने बॉस के जूते का फीता, प्रश्न गंध आम आदमी की नाड़ी से निकलती है, प्रश्न गंध आम आदमी की नाड़ी से निकलती है लेकिन खुद उसकी नाक तक नहीं पहुंच पाती, वही रह रहकर सवाल पूछता है जला आदमी अपने नगर में कहां रहता है भला, अपने नगर में कहां रहता है भला आदमी,